डॉग रखा हुआ उनको पूछते हैं कई बार हम नेट पर सर्च करते हैं कोई बोलता है पांच महीने पे ट्रेनिंग शुरू करनी चाहिए कोई बोलता है छः महीने पे करनी चाहिए कोई बोलता है साढ़े चार महीने पे करनी चाहिए ट्रेनिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे हम स्टार्ट कर सकते हैं पहले दिन से हम ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हैं वो आज मैं लाइव एग्जाम्पल के साथ में आपको समझाने वाला हूं आप उसको अगर समझेंगे आपके लिए वो बहुत हेल्पफुल रहेगा इस वीडियो को पूरा देखिए एंड तक देखिए अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप किसी भी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो मिस ना करें बेल का बटन जरूर ऑन कीजिएगा क्योंकि कई बार होता है हम सब्सक्राइब करते हैं और बेल का बटन ऑन नहीं करते आज आपकी ट्रेनिंग ट्रिप्स जो ट्रेनिंग टिप्स हैं बच्चे को हम कितना ईजीली सिखा सकते हैं चौबीस साल का एक्सपीरियंस डाल के दिखा रहा हूँ देखिएगा बहुत हेल्पफुल रहेगा वीडियो हेलो एवरीवन आई एम योर फ्रेंड योर होस्ट बादल भंडारी एंड आई वेलकम इन योर फेवरेट यूट्यूब चैनल दैट इज डॉग्स योर फ्रेंड्स फॉर डियो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच आपके प्यार के लिए आपकी ब्लेसिंग्स के लिए आपके टाइम के लिए जो आप ये वीडियोस देखते हैं जो हम ब्लॉग्स बनाते हैं उन सब के लिए uh, मैं पिछले 24 साल से डॉग्स ब्रीड कर रहा हूँ और मैं बिहेवरिस्ट हूँ आज मैं आपके सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ और वो टॉपिक uh, मुझे बहुत देर से रिक्वेस्ट आ रही थी बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स चाहते हैं कि इस टॉपिक को मैं कवर करूँ और ये टॉपिक है जब हम नया बेबी लेके आते हैं हम उससे क्या क्या चीज़ें सिखा सकते हैं जो हम घर पर सिखा सकते हैं बिकॉज डॉग ट्रेनिंग के लिए मैंने आज तक कभी भी बात नहीं की कि हम अपने डॉग को ट्रेन कैसे करें पॉटी ट्रेनिंग की बात हुई है उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम खुद से सिखा सकते हैं उनमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम उसे सिखाएंगे कैसे हम उसे सिखाएंगे कैसे आज मैं वो सब चीज़ के बारे में बताऊंगा इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें पूरे स्टेप्स बताऊंगा हम कैसे कर सकते हैं हम एक दिन में पांच चीज़ें अपने बच्चे को सिखा सकते हैं और कौन सी पांच चीज़ें हैं जो हम अपने बच्चे को सिखा सकते हैं आज इसी टॉपिक के बारे में ही बात करने जा रहा हूँ हम इसे नो की कमांड सिखा सकते हैं एक दिन में साथ में हम इसे सिट की कमांड सिखा सकते हैं स्टे की कमांड सिखा सकते हैं कम की कमांड सिखा सकते हैं टेक इट की कमांड सिखा सकते हैं ये सब कमांड सिखा सकते हैं कैसे मैं वो एक्सप्लेन करने लगा हूँ मेरे साथ में बहुत ही प्यारा सा एक चौचा है भाई साहब और ये बहुत सुंदर प्यारा सा है क्रीम कलर का बेबी है नए घर जाने के लिए रेडी है और ये आज अपने नए घर के लिए निकल जाएगा आप देख सकते हैं जैसे चौचों की टंग जो है वो ब्लैक होती है वैसे ही इसकी जो टंग है वो बिल्कुल ब्लैक है थोड़े से ब्राउनिश कलर में ईयरस है बाकी बॉडी जो है क्रीमिश है अमेजिंग क्वालिटी अमेजिंग बेबी टेल सेट पूरा प्रॉपर पीठ के ऊपर टेल आ रखी है बहुत ही मज़ेदार बच्चा है आज स्टार्ट करते हैं उस टॉपिक को जब हम नए बच्चे को घर पे लेके आते हैं वो हम हमें फॉलो करता है हम जहाँ जहाँ जाते हैं वो बच्चा हमें फॉलो करता है हमारे पीछे पीछे चलता है जैसे हम किचन में जाने लगे हैं वो किचन में हमारे पीछे आ रहा है हमने क्या किया किचन में यह हम चाहते हैं कि हमारे रूम में ना ना आए बट ऐसा होता नहीं है क्योंकि रूम में तो बेबी को आने ही देना है जब वो छोटा बच्चा है किचन में नहीं जाना चाहिए क्योंकि किचन में कई बार डस्टबिन पड़ा होता है कुछ भी है और वहाँ पर वो जाके कुछ भी गंदी चीज़ को मुंह मार सकता है हमें क्या करना है ये मान लीजिए ये किचन का डोर है हमने ये बेबी को यहाँ रख दिया और जैसे ही आगे आने लगे हम बोलेंगे नो जस्ट वेट आने लगेगा बोलेंगे नो ये फिर चल पड़ेगा इसको यहाँ पे रोकेंगे हल्का सा बिठाएंगे हल्का सा ये देखिए मैंने इसको बिठा रहा हूँ ये बैठ गया इसको पैट करेंगे बैक पे इसके बैक पे पैट करेंगे तो ये बैठ जाएगा बोलेंगे ओके गुड बॉय स्टे स्टे ऑचो 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 गुड बॉय शिट शिट गुड बेटा जब ये बैठता है इसको एक छोटा सा रिवॉर्ड दीजिए इसको समझ में आएगी कि जब मैं बात मानता हूँ तो मुझे रिवॉर्ड मिलता है मुझे पैम्पर करते हैं मुझे लाड करते हैं बिठाने पे जब ये बैठता है एक ये कमांड होगी सेट की आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो डॉग भी वो चीज़ समझने लग जाएगा वो फिर बैठ गया फिर जब ये उठ के चलने लगता है तो हम इसे नो की कमांड देंगे नो जैसे ही उठने लगेगा फिर बोलेंगे नो चलने लग रहा है नो पकड़ के खड़ा कीजिए उसको उसको लेट हिम लर्न कि हम उसे क्या समझाना चाह रहे हैं हम उसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कंप्यूटर ऑपरेटेड चीज़ नहीं है कि हमने एंटर किया और वो ऑपरेट हो जाएगा और उसका रिजल्ट आ जाएगा आपको एफर्ट करना पड़ेगा आप उससे रोकिए नो गुड बॉय सामने किसी को बोलिए बुलाने को उसको कोई फैमिली मेम्बर है या कोई भी है किसी को बोलिए इसे बुलाए जैसे ही जाने लगे फ्रंट से पकड़िए नो गुड बॉय सेट फिर बिठा दीजिए गुड बॉय सेट फिर से बैठ जाएगा नो no की कमांड हो रही है सिट की कमांड हो रही है फिर जब वो इतनी कमांड मान ले फिर उसके बाद में चार पांच स्टेप दूर जाइए जैसे वो उठ के आने लगे फिर उसे बोलिए नो स्टे वो आने लगेगा उसे बोलिए स्टे गुड बॉय बात मानने छोटा सा ट्रेनिंग ट्रीट रिवॉर्ड तोड़ के इसके मुंह में डालिए उसको अच्छा लगेगा उसको समझ में आएगी कि हम उससे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं पैनिक नहीं होना टेंशन नहीं लेनी गुस्सा नहीं करना कि बात नहीं मान रहा हमने दस बारी ट्राई कर लिया कोई बात नहीं जब हम छोटे थे हमारे पेरेंट्स ने शायद कई हज़ारों बारी हम पर ट्राई की होंगी चीज़ें तब जाके हम लोग बात मानते थे समझते थे एक जनरल बात कर रहा हूँ इसलिए कह रहा हूँ कि वो छोटा बच्चा है वो बेजुबान है डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद हिम कि हमें कोई इतनी देर बार इतनी बारी बोलेगा तो हम तो समझ में जाएंगे हम तो बहुत बड़े हैं हम तो सोशल इंसान हैं हमें मालूम है भगवान ने सोचने समझने की शक्ति दी है इन्हें भी दी है बट सिखाना पड़ता है ह्यूमन बेबीज़ को भी सिखाना पड़ता है स्टे की कमांड हो गई नो की कमांड हो गई सेट की कमांड हो गई उसके अलावा एक और चीज जब हम खाना देने लगे हैं मान लीजिए बच्चा बहुत एक्साइटेड हो रहा है जंप कर रहा है बार 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 सामने आ रहा है जंप कर रहा है किस लिए कर रहा है वो क्योंकि उसे खाना खाना है उसे भूख लगी हुई है उसको बिठाइए हमने नो की कमांड पहले दे रखी है उसको सेट उसे बोलिए सेट गुड बॉय बात मानते हैं स्टे जैसे उठने लगे नो स्टे फीडिंग बाउल इतने डिस्टेंस में रखिए यहां पर उसको रखिए इसमें कोई तरसाने वाली बात नहीं है बहुत सारे लोग वीडियो देख रहे हैं वो सोच रहे होंगे कि यार पता नहीं आ, उसको हम ऐसा करेंगे बार बार करेंगे तो वो उसको तरसाने वाली बात हो जाएगी कि हम उसको वेट क्यों करवा रहे हैं क्यों करवा रहे हैं बेसिक मैनर सिखा रहे हैं हमारा फ़र्ज़ बनता है बेसिक मैनर सिखाना और हम पेरेंट्स हैं हमें सिखाना है स्टे की कमांड दीजिए स्टे डोंट वरी गुड बॉय स्टे पैनिक नहीं होना उसको बोलना है यहाँ फीडिंग बॉल रख लिया जब वो उछलेगा बार बार इतनी शराफत से नहीं बैठेगा बार 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 आएगा बोले स्टे गुड बॉय बैठते हैं बात मानते हैं बहुत सुंदर बच्चा है लाड करो उसकी चेस्ट के नीचे यहाँ पे खुजली करिए इनको अच्छा लगता है चेस्ट के आगे खुजली करना माथे पे खुजली कीजिए उसको पैम्पर कीजिए डांटना नहीं है उसको अच्छा फील कराइए या ईयर्स के पीछे ये दोनों हाथों से ऐसे करके खुजली कीजिए उसको अच्छा लगे उसको समझ में आना चाहिए कि आप उसे प्यार करते हैं अगर कोई हमें बॉसी वे से कमांड करेगा हमें भी आगे से गुस्सा आएगा लेकिन अगर कोई हमें प्यार से समझाने की कोशिश करेगा तो हमें भी समझ में आएगा हमारा दिल करेगा बात को सुनने के लिए और हमारा मन करना चाहिए हमें बच्चे को अच्छा फील करवाना है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमें बच्चे को अच्छा फील करवाना है जब वो बैठ रहा है हमने उसे स्टेक बोला जब वो लेने लग रहा है खाना नो इट डोंट टेक इट नो नो जब वो रुकता है फिर जब आपको लगा कि वो आधा मिनट के लिए रुका फिर बाउल को उठाइए लिफ्ट करके उसके फेस के आगे कीजिए फिर अगर वो आने लगता है उसे बोलिए नो वेट फिर आप उसे बोलिए टेक इट टेक इट जब वो खा रहा है उसके सिर पे बोलिए हाँ गुड बॉय खाना खाना है सिक्स चीज उसको फूड एग्रेशन कंट्रोल कर सकते हैं जब वो खाना खा रहा है उसके फीडिंग बाउल में हाथ डालिए उसको हिलाइए अच्छे से खाना खाने दीजिए उसके फीडिंग बॉल में हाथ डालिए हिलाइए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे हाथ साफ होने चाहिए हाथ धो के डॉग को खाना देना है पेट को खाना देना है मेक श्योर उसका बर्तन भी साफ हो आपका हाथ भी साफ हो अगर हम गंदा हाथ बीच में डालेंगे तो वो इन्फेक्शन कैरी कर जाएगा और वो हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए इस चीज़ को समझेगा जब उसने खाना खा लिया खाना खाने के बाद में उसको उठाएंगे उठा के वॉश बेसिन के ऊपर हाथ करेंगे हाथ गीला करके मुंह साइड को वाइप करेंगे हाथ गीला करके मुंह साइड को वाइप करेंगे उससे फेस पूरा क्लियर हो जाएगा नीचे को अगर करेंगे तो नेक और चिन गंदी हो जाएगी इन्फेक्शन कैरी करेगा यहाँ पे नेक नेक पर फंगल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन आएगी वो नहीं चाहिए हमें फूड चिपक जाएगा वो नहीं चाहिए हाथ गिला करके क्लीन किया एक छोटा हैंड टॉल लीजिए उसे टचिंग कीजिए रब नहीं करना है समझिएगा बहुत अच्छे से बहुत प्यार से बहुत ब्रीफली आपको समझा रहा हूँ अच्छे से टचिंग करना है उसका फेस सुखाना है जैसे अभी ये चौचाइस फेस सूखने में थोड़ा सा टाइम लगे टचिंग की उसके बाद में आप जहाँ चाहते हैं कि वो पॉटी करे उसे उठा के वहाँ ले जाइए उसे बोलिए पॉटी करने के लिए थोड़ा बहुत घूमेगा फिरेगा उसे बोलेंगे पॉटी करने के लिए जब वो स्टूल पास करने लगा है अपनी पोजीशन में आया तब बोलिए गुड बॉय पॉटी बाहर करके आते हैं बहुत अच्छा बच्चा है बाहर करते हैं शुरू में एक दो दिन उसको समझ में नहीं आएगा बट हम फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे एक ही दिन में हम ये सारी की सारी कमांड्स देना शुरू कर सकते हैं बच्चा फॉलो करना पहले दिन से सीख जाएगा जब भी वो सो के उठेगा उसको हम बाहर लेके जाएंगे शिशु करने के लिए उसे बोलेंगे गुड बॉय शिशु यहाँ करते हैं अंदर नहीं करना है बाहर शिशु करना है गुड बॉय बहुत अच्छा बच्चा है उससे उसे समझ में आ जाएगा कि मुझे इनकी बात को फॉलो करना है मुझे इन्हें ओबे करना है दिस विल बी द बेस्ट वे टू कीप योर डॉग डे फ्रेंड्स जो मैंने आज वीडियो बनाया है इस बच्चे के साथ में ट्रेनिंग का कि हम क्या सिखा सकते हैं कैसे सिखा सकते हैं वो आई होप आपको पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो उसे लाइक कीजिए वीडियो को अगर पसंद आया तो उसे शेयर कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सो so दैट आप किसी भी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो को मिस ना करें साइन दिया करेंगे मुझ पे आप पे हमारे पेट्स पे लव यू ऑल थैंक यू